आप मुझे विदा करना चाहते हैं? छिंदवाड़ा में रुंधे गले से बोले कमलनाथ। कहा, बीजेपी बहुत आक्रामक है, डरिएगा मत। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने दौरे के दूसरे दिन छिंदवाड़ा के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हरई में पहुंचे। जिले की चौरई विधानसभा के चांद में कांग्रेस नेता ने आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान कमलनाथ मंच पर भावुक हो गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एमपी के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक कमलनाथ ने कहा, अगर आप कमलनाथ को विदा करना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। मैं अपने आप को आप पर थोपना नहीं चाहता। बीजेपी बहुत मजबूती से आक्रामक प्रचार कर रही है, लेकिन डरिएगा मत, ये सब इनका दिखावा होता है। आपको बीजेपी वाले भड़काने आएंगे, तरह तरह की अफवाहें फैलाएंगे कि कमलनाथ भाजपा में आ रहे हैं। कभी मैंने नहीं कहा कि मैं भाजपा में जा रहा हूँ। क्या मैं पागल हो गया हूँ? इन सब बातों से आपको सावधान रहना है। आखिरी सांस तक मैं छिंदवाड़ा को समर्पित रहा हूँ। मुझे बेरोजगार नौजवानों की चिंता है। आपको बता दें कि कमलनाथ छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद रह चुके हैं और अब विधायक हैं। उनके बेटे नकुलनाथ अब इस सीट से कांग्रेस सांसद हैं। माना जा रहा है कि इस बार भी छिंदवाड़ा से नकुलनाथ को ही टिकट मिलेगा। इसी वजह से कमलनाथ ने छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में अपने दौरे तेज कर दिए हैं। बुधवार को अपने दौरे के दूसरे दिन कमलनाथ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हरई भी पहुंचे। यहां आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि क्या राम मंदिर का पट्टा बीजेपी के पास है? ये तो आपका और मेरा है, आपके पैसों से बना है। कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है और सरकार ने बनाया है। अभी चीख चीख कर राम कहते हैं। अरे भाई, क्या हम राम को राजनीतिक मंच पर ले आए? राम जी की तो हम सब पूजा करते हैं। 14 साल पहले मैंने तो सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनवाया। कोई सरकारी जमीन पर नहीं, मैंने अपनी जगह पर बनवाया। ये हमें पाठ पढ़ाएंगे धर्म का। हम सब धार्मिक हैं, हमारी धार्मिक भावनाएं हैं, हमारी संस्कृति धार्मिक है। हम अपनी संस्कृति का पालन करते हैं। हमारी संस्कृति भाईचारे की है, इसको सुरक्षित रखें। बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस नेता कमलनाथ के भविष्य के कदम को लेकर काफी अटकलें थी। हालांकि उनके सहयोगियों और दिग्विजय सिंह जैसी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कई बार आश्वासन दिया कि कमलनाथ की बीजेपी में शामिल होने की कोई योजना नहीं है। आखिर मंगलवार को कमलनाथ ने भी कहा कि उनके बीजेपी में जाने की अटकलें मीडिया की उपज थी, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया। तो इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।